हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दी फ्लावर चैप्टर 5 का। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दी फ्लावर। दी फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। इट इज मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। मीन्स फ्लावर में ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? वो होता है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ये मेन पार्ट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बाकी फ्लावर के और भी पार्ट होते हैं जैसे कि कैलिक्स और कोरोला। इनको हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, अ टिपिकल फ्लावर हैज फोर काइंड ऑफ होल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वेलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। थैलेमस और रिसेप्टिकल क्या होता है? थैलेमस और रिसेप्टिकल वो होता है फ्लावर में ये जो चारों स्ट्रक्चर हैं, जो मैंने बताया ये चारों स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं? चारों स्ट्रक्चर एक होल्स में अरेंज होते हैं, एक प्रॉपर वे में अरेंज होते हैं। और ये कहाँ पर अरेंज होते हैं? जो इनका एक स्वोलन एंड होता है, नीचे का फूला हुआ इस हिस्सा, वहां पर ये अरेंज होते हैं। उस हिस्से को क्या कहते हैं हम? स्टॉक और पेडिकल कहते हैं। ओके, उस स्टॉक और पेडिकल से ये जुड़ा हुआ होता है, थैलेमस कहलाता है। जो कि दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ये क्या क्या होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन। कैलिक्स और कोरोला क्या है? हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं। वाइल एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड्रोशियम और गायनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ। एक नई टर्म यहाँ पर आती है, पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है? कैलिक्स और कोरोला बताए कि दोनों अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, ये अलग नहीं हो पाते, सेपरेट नहीं हो पाते और एक दूसरे से अटैच रह जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है लिली। लिली के फ्लावर्स में ये होता है कि कैलिक्स और कोरोला अलग नहीं हो पाते, तो उन दोनों को साथ में क्या कहते हैं? उनको साथ में पेरियंथ कहते हैं। ओके, वेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम इट इज बाइसेक्सुअल। कुछ फ्लावर्स जो ऐसे होते हैं जिनमें स्टैमन और कार्पल, स्टैमन होता है हमारा मेल पार्ट और कार्पल होता है हमारा फीमेल पार्ट, ये दोनों अगर एक ही फ्लावर में एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे फ्लावर्स को बाइसेक्सुअल कहते हैं और उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक गोला, उसके नीचे प्लस और ऊपर एरो, ऐसे बनाया जाता है उसका सिंबल, इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टैमन और कार्पल इट इज यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होंगे? जिनमें ओनली मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है, या ऐसे कह लो कि जिसमें स्टैमन है या फिर कार्पल है, उसको यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। नेक्स्ट है इन सिमेट्री द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री और जायगोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्री। यहां पर सिमेट्री की बात हो रही है। एक्टिनोमॉर्फिक और जायगोमॉर्फिक दो टर्म्स आई हैं नई, उनका मतलब क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि जब हम फ्लावर को डिवाइड करते हैं तो वो फ्लावर को हम किसी भी रेडियल से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ये फ्लावर है, इसको हम किसी भी रेडियल से डिवाइड कर रहे हैं, चाहे ऐसे डिवाइड कर दें, चाहे ऐसे डिवाइड करें, चाहे ऐसे या ऐसे, किसी भी एरिया से डिवाइड करने पर वो फ्लावर दो इक्वल भागों में डिवाइड होता है, तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और ये जो डिवाइडेशन कहाँ से जाना चाहिए? सेंटर से। ऐसा नहीं है कि आप किनारे से काट रहे हैं तो भी फ्लावर दो भागों में बट रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। अगर सेंटर से कट करते हैं किसी भी एरिया से और दो बराबर भागों में डिवाइड होता है तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। नेक्स्ट टर्म दी हुई है जायगोमॉर्फिक, और हाँ, एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं हम प्लस साइन से। नेक्स्ट टर्म इज जायगोमॉर्फिक। जब फ्लावर को डिवाइड करते हैं इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय कट इन वन पर्टिकुलर प्लेन, जब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन में ही काटने पर फ्लावर दो बराबर भागों में डिवाइड हो तो उसको जायगोमॉर्फिक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक इजीली एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी क्या होती है? बायलेटरली सिमेट्री। ह्यूमन बॉडी को हम अगर सामने से काटते हैं तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड होती है। देखिए ड्राइंग पर मत जाइएगा, जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है और इसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया, मतलब बायलेटरली सिमेट्री, बीच में सेंटर से हमने अगर डिवाइड किया तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड होगा, उसको कहते हैं हम जायगोमॉर्फिक। इसका एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन एंड कैशिया। नेक्स्ट आगे दिया है अ फ्लावर इज असिमेट्रिक इरेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कैना। तो यहाँ कैना का एग्जाम्पल दिया है कि जब हम फ्लावर को किसी भी रेडियस से काट रहे हैं लेकिन वो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको क्या कहते हैं हम? असिमेट्रिक, मीन्स उसकी कोई सिमेट्री नहीं है उस प्लांट की। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है अ फ्लावर मे बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस।
when the floral appendages are in multiple of 3, 4 and 5 respectively. फ्लावर कैसा हो सकता है? फ्लावर ट्राइमेरस हो सकता है. यहाँ पर ट्राइमेरस, इस टर्म का पहले मतलब समझ लीजिए क्या है. ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5. ओके, ये सभी को पता है. मेरस माने क्या होता है? हैविंग पार्ट्स, मीन्स प्लांट के जो होते हैं फ्लावर के पार्ट्स हो सकते हैं. फ्लावर के 3 पार्ट भी हो सकते हैं, फ्लावर के 3 होल हो सकते हैं सिर्फ, फ्लावर के 4 भी हो सकते हैं एंड 5 भी हो सकते हैं. जो पत्तियां होती हैं स्टैमेन, उनकी बात हो रही है. कुछ आगे टर्म्स भी हुई हैं जैसे कि ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, इनके बारे में बताया है. जैसे कि फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट. फ्लावर्स में क्या होता है? ब्रैक्ट्स होते हैं. ब्रैक्ट क्या होते हैं सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए. ब्रैक्ट जो होते हैं छोटे छोटे पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये फ्लावर के बेस पर प्रेजेंट होते हैं. जहाँ से फ्लावर निकल रहा है उसके बेस पर ब्रैक्ट्स निकलते हैं और ये छोटे छोटे पत्तियों जैसे होते हैं. इनको ब्रैक्टिएट कहा जाता है और इसको हम बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ. और ई ब्रैक्टिएट क्या हुआ? ई ब्रैक्टिएट जिसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते उसे हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं. इसका एग्जांपल है मस्टर्ड. ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स कॉरोला एंड एंड्रोशियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी एंड थैलेमस द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं, तो ये आपको जरूर पता होनी चाहिए और बहुत ही क्लियर होना चाहिए ये टर्म्स. फ्लावर को किसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है? यहाँ पर बेस्ड ऑन दी पोजीशन ऑफ कैलिक्स कॉरोला एंड एंड्रोशियम, सिर्फ इन तीनों के बेसिस पर. इन रेस्पेक्ट ऑफ गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या होता है? ओवरी जो कि बिल्कुल मिडिल में होती है, इसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है फ्लावर को. किसमें? 3 भागों में, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस एंड पेरीगाइनस. इसमें क्या होता है हाइपोगाइनस में? यहां पर आपको पता होना चाहिए कि गाइनस का मतलब क्या है. हाइपोगाइनस, गाइनस मीन्स ओवरी होती है, गाइनस मीन्स होता है ओवरी. तो ओवरी की सिचुएशन होगी जो गाइनोशियम है, इसकी सिचुएशन होगी कहां पर? कैलेक्स कॉरोला और एंड्रोशियम कहां हैं गाइनोशियम के रेस्पेक्ट में, तो इसमें इन्हीं के बारे में बताया जाएगा. इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजिशन वाइल द अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो इट. हाइपोगाइनस, देखो नाम तो इसका है हाइपोगाइनस. दो टर्म होती हैं, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर. हाइपो एंड हाइपर, हाइपर का मतलब होता है जैसे कि कोई हाइपर हो गया या ज्यादा, हाइपर का मतलब मोर या कोई एक्साइटेड होना किसी का, तो उसे हाइपर कहते हैं. हाइपो मतलब थोड़ा कम, जैसे बहुत सारी डिसीजेज भी होती हैं जैसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, जिसमें कमी होती है तो उसे हाइपो कहते हैं, और जिसमें जो ज्यादा हो जाता है उसको हाइपर कहते हैं या ऊपर हो जाता है उसको हाइपर कहते हैं, कैसे भी याद कर सकते हैं इस टर्म को. तो यहाँ पर नाम तो दिया है हाइपोगाइनस, सुपीरियर क्या है? ओवरी. गाइनस माने क्या होता है हमारा? ओवरी सुपीरियर होती है. ओके, ओवरी क्या हो गई? सुपीरियर. सबसे पहले ये समझिए कि हाइपोगाइनस में क्या होता है? ओवरी सुपीरियर, ये हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर है जो कि सुपीरियर है. बाकी के फ्लोरल पार्ट्स कहाँ हैं? वो फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकलते हैं ओवरी के. नाम है हाइपो, नाम छोटा है काम बड़े हैं, ओवरी ऊपर हो गई. आपको किस टाइप से ये याद रखना है एक फनी वे में उसको समझिए. सिर्फ हाइपो मीन्स होता है थोड़ा कम, ओके, या नीचे रहना डाउन साइड में. लेकिन इसके काम क्या है? गाइनस मीन्स ओवरी, ओवरी के काम क्या है? ओवरी के काम बहुत ज्यादा है, ऊपर है. ओवरी क्या हुई? ऊपर हो गई. एंड बाकी के फ्लोरल पार्ट्स क्या हुए? नीचे की साइड आ गए. फ्लोरल पार्ट्स नीचे आ गए. देखो यही लिखा था इसमें, गाइनोशियम अपसाइड वाइल अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो ओवरी. ओके, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइपोगाइनस ओवरी का. कहाँ है? वाइल अदर पार्ट्स सिचुएटेड द ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर. एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल. एनसीईआरटी में इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो नीट के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको एग्जाम इसकी जो टर्म्स हैं एग्जाम्पल्स की वो याद रखना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, हाइपोगाइनस की ट्रिक है. हेलो मम्मी बहू चाहिए, मतलब कोई बेटा है वो अपनी मॉम से कह रहा है हेलो मम्मी, फोन करके कि मम्मी बहू चाहिए. हेलो से हो गया हाइपोगाइनस, मम्मी से, माँ से हो गया मस्टर्ड, बहू ब से हो गया ब्रिंजल, चाहिए सी से हो गया चाइना रोज. तो हाइपोगाइनस ओवरी का एग्जाम्पल और सुपीरियर ओवरी का एग्जाम्पल आप इसी तरह से याद रख सकते हैं, हेलो मम्मी बहू चाहिए. नेक्स्ट दिया हुआ है हमें एपीगाइनस ओवरी के बारे में.
हम पहले एपिगाइनस पढ़ते हैं, पेरिगाइनस बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि कंपैरिजन करके पढ़ना है हमको। यहाँ पेरिगाइनस के बारे में पहले दिया है, मैं पहले एपिगाइनस के बारे में पढ़ूंगी। अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, क्योंकि अपोजिट होता है बिल्कुल, हाइपोगाइनस में ओवरी ऊपर हो जाती है और एपिगाइनस में ओवरी डाउन साइड रह जाती है और फ्लोरल पार्ट्स पहले निकल जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले बता रही हूँ इन्फीरियर ओवरी। ओवरी कैसी रह गई? डाउन साइड। यहाँ क्या था? सुपीरियर ओवरी। ओवरी कैसी होती है? यहाँ पर ऊपर होती है, उसे सुपीरियर ओवरी कहते हैं। द ओवरी देयर इज सेड टू बी हाफ, ये तो इसका हो गया पेरिगाइनस का। यहाँ से एपिगाइनस का, जो हम पहले हम एपिगाइनस कर रहे हैं हाइपोगाइनस के बाद, इसके बाद हम करेंगे पेरिगाइनस। इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंड क्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी। इसमें क्या होता है, इसमें जो थैलेमस है और फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो ओवरी को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं और ओवरी के ऊपर से फ्लावर पार्ट निकलते हैं, इसको हम इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। ओवरी डाउन साइड वाइल अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड अप साइड ऑफ द ओवरी, इतना टर्म जरूर पता होना चाहिए एपिगाइनस में। इसका जो एग्जाम्पल दिया है, इसका एग्जाम्पल है ग्वावा, कुकुम्बर एंड रे ऑफ फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो इसका एग्जाम्पल याद करने का एग्जाम्पल है, निमोनिक है, ऐसा खीरा अमरूद खाया फूल खिलाया, मतलब किसी ने ऐसे खीरा और अमरूद खाया है कि फूल ही खिल गया, बहुत मजे आ गए। तो ऐसा क्या हो गया? एपिगाइनस, खीरा कुकुम्बर, अमरूद की इंग्लिश ग्वावा, खाया नहीं है, फूल सनफ्लावर, इसके चारों एग्जाम्पल हो गए। ऐसा खीरा अमरूद खाया फूल खिल आया। ओके गाइस, होप करती हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। पेरिगाइनस में है, इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होता है कि ओवरी और फ्लावर के जो भी अदर पार्ट्स हैं वो सेम लेवल पर ही अराइज होते हैं, उसे हम पेरिगाइनस कहते हैं। पेरिगाइनस इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? पी से पैरेलल, पैरेलल भी होता है। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल लाइंस चलती हैं। ट्रेन की जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? ट्रेन की पटरी, वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। इसी टाइप से पेरिगाइनस में जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो भी गाइनोशियम के पैरेलल अराइज होते हैं, या फिर थोड़ा सा स्लाइटली कह सकते हैं थोड़ा सा अप डाउन साइड में अराइज होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द उसके पैरेलल अराइज होते हैं। ओवरी सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर ऑल्सो एट द सेम लेवल। इसका एग्जाम्पल है, इट इज कॉल्ड पेरिगाइनस। द ओवरी हेयर सेट टू बी हाफ इन्फीरियर, इस टाइप की ओवरी को क्या कहते हैं? हाफ इन्फीरियर ओवरी। एग्जाम्पल है इसका पम, रोज एंड पीच। तो इसका एग्जाम्पल याद करने का तरीका है, परी प्लम्बर के पीछे रोज है, मतलब परी से कोई कह रहा है कि प्लम्बर जो वहां पर प्लम्बर काम कर रहे हैं उनके पीछे रोज है, परी को रोज चाहिए तो प्लम्बर के पीछे क्या है? रोज है। परी से हो गया पेरिगाइनस, प्लम्बर से हो गया प्लम, पीछे मीन्स पीच, रोज मीन्स रोज। तो इसका जो एग्जाम्पल मैंने बनाया है, इसके निमोनिक, वो भी बिल्कुल डिपेंड कर रही हैं नाम पर। पेरी मीन्स परी, प्लम्बर पम, पीछे पीच, रोज एंड रोज। तो होप करती हूँ गाइस आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।